एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सरोजनी होल। तो सरोजनी नगर मार्केट में लास्ट टाइम गई थी, तो वहाँ से मैंने क्या क्या लिया वो मैं आपको बताने वाली हूँ विद प्राइस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मैंने ये टी शर्ट खुद पहन रखी है। आई मीन ये मैंने सरोजनी नगर से बाय किया था लास्ट वाली वीडियो में। मैंने उसी दिन ये टी शर्ट बाय की थी, वो भी 200 रुपीज़ की। तो एनिमे टी शर्ट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत जगह तो काफ़ी महंगी भी मिलती है। एक्चुअली जब मैं कुछ मार्केट्स में गई थी तो वहाँ पे मैंने 350 और 400 अराउंड का प्राइस सुना था उनसे, बट ये मैंने 200 रुपीज़ में बाय किया है। एंड ये जो पैंट मैंने इसके नीचे पहना है ना, ये भी मैंने 300 का बाय किया है। मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, एक जगह मैं जींस बाय कर रही थी तो उस शॉप का मुझे ढंग से नंबर याद नहीं था, बट वो उसी लाइन में था एंड मैंने आपको बताया भी था। तो जब मैंने ये पैंट देखा ना तो मुझे पूरी पूरी कोरियन लुक वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं भाई ये मुझे चाहिए तो चाहिए। ये थोड़ा सा लूज भी था, मेरे मतलब तो कमर में फिट नहीं आता, ये हाई वेस्ट है ना तो ये फिट भी नहीं आता, बट मैंने कहा नहीं मुझे ये दे दो। तो मैंने ये 300 रुपीज़ में बाय कर लिया उस शॉप से। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, कह रहे थे मतलब मैंने 3 जींस बाय की थी ना, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं मतलब 1500 रुपये उन्हें दे दूँ 3 जींस के 1500। मैंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 300 रुपीज़ में ही चाहिए। सरोजनी आने का फ़ायदा क्या हुआ जब मैं 500 रुपये की जींस बाय कर रही हूँ? तो फिर इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कन्वेंस करने के बाद उनसे मैंने ले ही लिया 300 रुपीज़ में। और मेरे को जो खुशी हो रही थी वो मैं बता ही नहीं सकती तो लेकिन जब मैंने ये पहना ना तो बहुत लोगों ने मेरी तारीफ भी की ना, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होने लग गई थी। तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी जींस बाय किया। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े रख रखे हैं तो ये मैंने 300 रुपीज़ में बाय किया है। 300 रुपीज़ में ये भी मुझे मतलब परफेक्ट, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फिटिंग थी। आई मीन ये मैंने पहन कर भी देख लिया तो कुछ तो इसका पूरा मतलब सब कुछ सही है और 300 रुपीज़ में मुझे ये जींस मिल गया। ओके, साइड पे वीडियो चल रही है इसकी, तो ये इसका जो फिटिंग है ये आप देख सकते हो बिल्कुल ही परफेक्ट है और मुझे इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी। मतलब ठीक है जितना चलेगा चला लेंगे यार, 300 रुपये में और क्या ही वसूली करोगे इस कपड़े की। तो मैंने कहा चलो ठीक है जब तक चलेगा चला लेंगे, बट सीरियसली बताऊँ ना तो मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीदती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक उन्हें नहीं पहनती हूँ, इसलिए मेरे लिए अच्छा है ये सब। तो उसके बाद मैं ये नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। ये नेक्स्ट मैंने ब्लू कलर की हाई वेस्ट जींस ली है जो कि कुछ ऐसी है। तो इतना इसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया, आई मीन थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट मैं इसे कटवाना नहीं चाहती क्योंकि इसका जो लुक है ना वो मुझे बहुत पसंद आया। अगर मैंने इसे कटवा दिया थोड़ा सा तो मुझे शायद लग रहा है कि बहुत बेकार सा लगेगा, बहुत भी नहीं लेकिन थोड़ा बेकार सा लगेगा, इसलिए मैं इसे कट नहीं करवा रही, मैं इसे ऐसे ही वेयर करने वाली हूँ। और ये मुझे 300 रुपीज़ में मिल गया। इसका जो जींस कपड़ा देख रहे हो ना मस्त है मतलब अच्छा है यार एकदम। मैंने मतलब ये साइड में आप वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ साइड में, इसका जो लुक और फिटिंग है ना, आई मीन सीरियसली कहूँ तो वाओ वाओ लग रहा था। मतलब जब मैंने इसे पहना और मैंने अपने घर में भी दिखाया ना, मम्मी मैंने ये बाय किया है, तो मम्मी भी कह रही थी कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छी फिटिंग है इसकी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है कि मेरे को हर बार ही अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते। तो मुझे ये मतलब फिटिंग, इसकी जो फिटिंग है वो अच्छी लगी और इसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है। और ना कभी कभार आपको ना ज़ारा और H&M की भी जींस मिल जाती है ऐसी जगह पर, वो बस थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता है। और ज़ारा और H&M की जींस आपको अगर 300 और 400 के अराउंड मिल रही है तो बेनिफिट है ना, तो इसलिए हम बाय कर लेते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस कम करवा कर। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ टी शर्ट, जो कि मैंने टी शर्ट बाय की है। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने टी शर्ट और जींस ही बाय की थी जो कि मैंने इतने इतने में बाय की है, जो मैं आपको प्राइस बता रही हूँ। तो फर्स्ट टी शर्ट तो आपने ये देख ली है, ये मैंने 200 में ख़रीदी है। तो उसके बाद मैं ये सेकंड टी शर्ट दिखाऊंगी जिसमें लिखा है कॉफ़ी है। तो ये कॉफ़ी हेड फ्रंट से ये ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, बट बैक से ये कुछ ऐसा है
तो लिटरली ये कॉफी हेड मुझे अच्छा लगा। इसका साइज एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा मिल गया मुझे। इसमें ना मीडियम लिखा हुआ था, मुझे थोड़ा स्मॉल चाहिए था। इतनी तो हेल्थ है नहीं तो इसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्मॉल चाहिए था। बट ठीक है, इट्स ओके, मुझे अच्छा लगा ये मैंने पहन के भी देख लिया तो ये मुझे काफी सही लग रहा था, कूल सा एंड लूज लूज सा। गर्मी बहुत है ना तो लूज अच्छे लगते हैं तो मैंने ऐसी पहन लिया और पहन के देखा भी तो मुझे सही लगा ये। और इस टी शर्ट के लिए भी मेरे घर पे लड़ाई हो रही थी कि ये मैं पहनूंगा बोल के, तो मैंने फिर इसे छुपा कर रख लिया। और अभी घर पे कोई नहीं है तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि ये टी शर्ट मैं आपको दिखाऊं और फटाफट छुपा कर रख दूं, और जब मुझे पहनना हो ना तभी मैं इसे निकालूं। इसके लिए भी लड़ाई हो गई और एक और टी शर्ट है उसके लिए भी लड़ाई हो ही रही है अभी तक। तो ऐसे ही होता है, जब भी मैं अपने लिए कुछ लेकर आती हूँ अच्छा, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, मुझे भी दे दो। और ये भी टी शर्ट मैंने 200 में बाय की थी, तो 200 में ये टी शर्ट भी बाय करती। वैसे तो यहाँ पे मतलब जहाँ मैं ये टी शर्ट बाय करी थी वहाँ पे 250 लिखा हुआ था, बट उन्होंने कहा कि अगर आप एक से ज़्यादा लेते हैं तो आपको 200 में मिल जाएगा। तो भाई एक से ज्यादा लेंगे तो 200 में मिल जाएगा, और हम तो तीनों गए थे तो हमने पता है ऐसे किया कि एक मैं लेती हूँ, एक तू ले बोलकर हम तीनों ने एक एक टी शर्ट बाय कर ली और हमने पकड़ा दिया। और एक ही बंदे ने पे कर दिया, बोला भैया तीन टी शर्ट ले ली, 200 200 लगा लो। तो उसके बाद हमने ये टी शर्ट भी 200 रुपीज में बाय कर ली। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट टी शर्ट दिखाती हूँ। ये भी ब्लैक है एक्चुअली ना, मुझे ज़्यादातर ब्लैक टी शर्ट ही अच्छी लग रही थी। तो ये फ्रंट से ऐसा है और बैक से ऐसा। मैं एनीमे वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ सच कह रही हूँ, तो ये मैं एनीमे तो देखती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मुझे इतना नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा कैरेक्टर है एंड ऑल। तो बट मुझे एनिमे टी शर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई मीन उनका लुक अलग होता है एंड काफ़ी लूज होते हैं और कूल सा फील होता है तो मतलब मेरी फीलिंग्स अलग है इनको लेकर, तो बहुत मतलब सही सा लगता है एकदम। स्टाइल एंड जो भी आप कहना चाहो वो अच्छा आता है, तो मुझे पसंद है और अच्छा लगता है पहनना ऐसे लूज लूज कपड़े हो। तो फिर उसके बाद मैं कभी कभी तो लड़कों की टी शर्ट, अपने बॉयफ्रेंड की टी शर्ट भी पहनकर घूम लेती थी। तो अब मेरे पास है नहीं कपड़े तो मैंने सोचा चलो बाय कर लेते हैं, अब बॉयफ्रेंड से क्या चुराना, खुद ही पहन लेंगे अपना खरीद के। तो ये अच्छा किया इन्होंने कि ऐसी टी शर्ट निकाल ली। तो ये टी शर्ट भी मैंने 200 में बाय किया है, 200 सेम जहाँ से मैंने ये कॉफी हेड बाय किया वहीं से मैंने ये सेम टी शर्ट बाय किया 200 रुपीज़ में। तो ये तीनों टी शर्ट का प्राइस तो सेम है, बाकी मैंने और कुछ बाय नहीं किया। मुझे मतलब ड्रेसेस वगैरह भी लेनी थी, बट जो ड्रेस मुझे लेनी थी वो उसका जो साइज था वो काफ़ी लूज था, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मुझे बेनिफिट सा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। तो बाकी मैंने बस इतने ही चीज़ें बाय की है इस बार सरोजनी जाकर। तो अगली, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक और चीज़ बाय की है, मैं वो तो मैंने आपको दिखाना ही, मतलब मैं वो दिखाना ही भूल गई। एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ। ओह सो एक्चुअली मैंने फैन भी नहीं चलाया ना ताकि मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे बोल के, तो गर्मी भी लग रही है। तो फाइनली मीट बैगवती, माय बैगवती। ये मैंने 500 रुपीज़ का बाय किया है ये बैग। लुक एट द बैग क्वालिटी यू नो। तो ये देखो इसका जो ये मतलब स्ट्रिप है ये ना काफ़ी मोटा है, और मतलब ना इसकी जो क्वालिटी है आई मीन वो काफ़ी सही है। इसकी जो बैग है ये आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। देखो ये 500 रुपीज़ में मैंने ये बैग बाय किया है, और ये अंदर से ऐसा है, यहाँ पे अंदर एक जिप भी है ताकि आप इसमें अपना बहुत सारा पैसा रख सकें तो छोटा सा बैग है, इतना भी बड़ा बैग नहीं है, तो इसमें आप आराम से अपना मेकअप किट एंड ऑल, बस अपना फ़ोन, अपना एयरपोड्स और पैसे, अपने जेवर वगैरह सब रख सकते हैं अच्छे से छुपा कर। तो इतना सा ये बैग है जो कि मैंने 500 रुपीज़ में लिया है। एक्चुअली जब भी मैं सरोजनी नगर से बैग्स बाय करती हूँ तो 500 अराउंड तक बैग बाय करती हूँ इतने ही क्वालिटी में, और ये कम से कम 1 1.5 साल तक 2 साल तक चल जाते हैं। सच में मैं पर्सनली यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ 500 रुपीज़ का।
ओके सो मेरी वीडियो यहीं तक थी. अब मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है. सो मेरी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैंने सरोजनी का व्लॉग डाला था वो भी अच्छा लगा हो. तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि और मैं किस मार्केट की वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और आगे भी मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहना पूरी, और मुझे फुल सपोर्ट करना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो. एंड बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में.